तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा, डू दिस बिफोर स्टार्टिंग डिजिटल मार्केटिंग फॉर योर बिजनेस। आज के इस वीडियो में 5 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ जिसको आपको पहले करना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने के पहले। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप अपना डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने वाले हो बिजनेस के लिए तो ये वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि यहाँ पर आपको बायर्स पर्सोना क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप जो अपना बिजनेस का डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने वाले हो, तो उसके पहले आपको बायर्स पर्सोना क्रिएट करना पड़ेगा। तो बायर्स पर्सोना होता क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों, एक इमेजिनरी आप जो अपना डिटेल्स लिखते हो, जो भी आपका पोटेंशियल कस्टमर है, यानी कि दोस्तों उसका ऑक्यूपेशन क्या होगा, उसका जेंडर क्या है, उसको वो कहाँ रहता है, कितनी उसकी सैलरी है, वो उसके इंटरेस्ट क्या है, उनके पेन पॉइंट्स क्या है, आप जो है सर्विस प्रोडक्ट है वो क्या पेन पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं आपके कस्टमर का। तो ये आपको लिखना है, ये काफ़ी हेल्प करेगा जब भी आप कंटेंट बनाओगे। तो ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने बायर्स पर्सोना नहीं बनाया तो कस्टमर को रेजोनेट नहीं कर पाएगा। तो ये काफ़ी ज़रूरी है, बायर्स पर्सोना बनाना चाहिए आपको। तो सबसे पहले बायर्स पर्सोना, उसके बाद में आता है दोस्तों पोजीशनिंग। हर जो बंदा है आपका कस्टमर नहीं बन सकता है, पूरी दुनिया आपकी कस्टमर नहीं बन सकती, एक स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस ही आपका कस्टमर बनेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना पोजीशनिंग ऐसा करना पड़ेगा ताकि वो जो बंदा है वो अट्रैक्ट हो, जैसे कि उसको लगना चाहिए कि मेरे बारे में ही कह रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं सैंपल के तौर पर बताऊँ पोजिशनल स्टेटमेंट कैसे होती है। तो यहाँ पर दोस्तों, आई हेल्प आईटी प्रोफेशनल टू इंक्रीज देयर सेल्स विदाउट कोल्ड कॉलिंग। सो यहाँ पर पोजिशनिंग स्टेटमेंट आपने सुन लिए, तो आप अगर इसमें गौर करोगे तो इसमें दो चीज़ इन्वॉल्व है, आप क्या कर रहे हो और आप किसको सर्विस जो है अपना प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पर आईटी जो प्रोफेशनल है उनको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर दोस्तों सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं विदाउट कोल्ड कॉलिंग। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है उसको भी आप हाईलाइट कर सकते हो कि हम कोल्ड कॉल के बिना सेल्स बढ़ाएंगे आईटी प्रोफेशनल की। तो ये काफ़ी अच्छी जो है पोजिशनल स्टेटमेंट, आप भी ऐसा कर सकते हो। आप जो है किसको हेल्प कर रहे हो, किस चीज में हेल्प कर रहे हो और किसके बिना आप हेल्प कर सकते हो, तो यहां पर पोजीशनिंग आपको करनी पड़ेगी। ये काफी हेल्प करेगा, क्योंकि आप जर्नलिस्ट नहीं बन सकते हो, यहां पर आप भीड़ में ही चलोगे अगर आप जो है पोजीशनिंग नहीं कर पाओगे। तो यहां पर उसके अगला जो पॉइंट आता है वो आता है यूएसपी। तो यूएसपी का मतलब होता है दोस्तों यूनिक सेलिंग पॉइंट, या फिर दोस्तों यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। तो यहां पर इसका मतलब क्या होता है कि जैसे दो बिजनेस है, दोनों एक ही सर्विस बेचते, तो आपका जो बिजनेस है वो दूसरे बिजनेस से क्यों अलग है, कोई भी चीज हो सकती है। अब यहां पर दोस्तों आपकी प्राइसिंग में फर्क हो सकता है, आपकी प्राइसिंग कम है, आपकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी हो सकती है, आप ज्यादा गारंटी दे रहे हो, आप फ्री में कुछ दे रहे हो, यानी कि कुछ भी जो भी यूनिक चीज अलग चीज होनी चाहिए, डिफरेंशिएट करना चाहिए आपके बिजनेस को दूसरे बिजनेस से, तो वो आपकी यूएसपी होगी। उसी से लोग आपके बारे में जानेंगे कि यहां पर जो है प्राइसिंग काफी अच्छी है तो यहां पर हमें जाना चाहिए। तो कुछ यूएसपी होनी चाहिए, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। आप जो इसे कैसे क्रिएट कर सकते हो किसी अगले वीडियो में देखेंगे, पर शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। तो भी दोस्तों आपके पहले से जो कस्टमर है उनसे जाके बात कीजिए, उनसे जानिए कि वो आपसे क्यों सामान खरीदते हैं, वो जो बताएंगे आपको वही दोस्तों आपकी यूएसपी बन सकती है। तो ये काफी अच्छा है। तो दोस्तों फोर्थ आता है बायर्स जर्नी। तो यहाँ पर दोस्तों बायर्स जर्नी का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले उनके मन में क्या सवाल आते हैं, किस किस चीज़ों को वो रिसर्च करते हैं वगैरह वगैरह, इसको बायर्स जर्नी कहते हैं। जैसे कि मैं अगर SEO की सर्विस लेने वाला हूँ तो मैं सर्च करूँगा कि SEO क्या होता है, किस तरह से SEO मुझे हेल्प करेगा, कौन कौन से SEO सर्विस प्रोवाइडर है, कौन से अच्छे प्रोवाइडर है, किन से मुझे लेना चाहिए, लेते वक्त किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, तो वगैरह वगैरह, ये जो सारे क्वेश्चन आते हैं उनको आपको आंसर करना है ताकि एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाए आपके जो पोटेंशियल कस्टमर के मन में। तो ये काफ़ी अच्छा है, आपको एक अपने एक एग्जिस्टिंग कस्टमर हो गए या फिर दोस्तों जो नया कस्टमर है उनको आपको जाके पूछना है कि आपके मन में क्या क्या सवाल आते हैं। आपके मन में भी जो सवाल आते होंगे वो भी आप लिख सकते हो, आपके कस्टमर के मन में जो सवाल आते होंगे वो भी आप लिख सकते हो। तो उसको आपको कंटेंट बनाना है, या तो दोस्तों आप उसका ब्लॉग बना सकते हो या फिर वीडियो बना सकते हो, सोशल मीडिया पर पोस्ट करो, कुछ भी करो, पर आपको उसका आंसर ज़रूर देना है। अब अगला आता है दोस्तों कंटेंट कैलेंडर। अब ये दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। अब यहाँ पर आपने चार चीज़ें कर ली, अब आप जो है डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग शुरू करने से पहले आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, पर स्ट्रैटेजी के दोस्तों बाद आपको कंटेंट कैलेंडर बनाना ही पड़ेगा। कोई भी स्ट्रैटेजी
में कंटेंट कैलरन आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट किंग है। बिना कंटेंट के आप जो अपना मैसेज पोटेंशियल कस्टमर तक नहीं पहुंचा सकते हो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। कंटेंट कैलेंडर आपको बनाना पड़ेगा। कंटेंट कैलेंडर का मतलब होता है दोस्तों, आप जो है डेट वाइज लिख के रखते हो कि इस दिन मेरा कौन सा वीडियो जाएगा, कौन सा टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पर आपको पहले से टॉपिक डिसाइड करके रखने, उनको एक स्पेसिफिक डेट दे देनी है ताकि आपको हेल्प हो जाए, बाद में आपको सोचना ना पड़े कि कौन से दिन कौन सा कंटेंट मुझे पोस्ट करना है और किस प्लेटफॉर्म पे करना है। लिंक्डइन पे करना है, फेसबुक पे करना है, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, यूट्यूब पे करना है। तो आपको हर एक सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे आपको हाईली एक्टिव रहना है। अब यहाँ पर जो दोस्तों बिजनेस टू बिजनेस ये डिफर करता है, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब को लेकर चल सकते हो। तो ये दोस्तों पाँच चीज़ें जो आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ती है, ये आज पाँच चीज़ें आपको करनी है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे मार्केटर्स या फिर दोस्तों जिनको नॉलेज नहीं रहती है डिजिटल मार्केटिंग बारे में ज्यादा, तो वो ये पांच चीजों को स्किप करते हैं, डायरेक्टली ही जो है स्ट्रेटजी बनाते हैं, काम शुरू कर देते हैं, ना बायर्स पर्सोना बनाते हैं। इसकी वजह से उनका जो कंटेंट है वो रेजोनेट नहीं करते और कुछ रिजल्ट नहीं आते। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको डिजिटल मार्केटिंग अपने बिजनेस के लिए स्टार्ट करने से पहले आपको इन चीजों का ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों आप एजेंसी हायर कर रहे हो तो उनको भी ये बताना है कि ये जो है आपको करना पड़ेगा, उसके बिना आप जो है स्टार्ट नहीं कर सकते हो। अगर वैल्यूएबल कंटेंट लगा है, आपको कुछ हेल्प मिली है, तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।